किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो भाई, ये लेते जाओ, लात घुसे खाओ। अरे कहाँ भाग रहा भाई, तू नहीं बचेगा, तेरे को पेल दूंगा। अरे सुनो ब्रो, भैया किधर जा रहे हो, तुम भी लो यार। अरे ये लो भाई स्ट्रेक, दोनों को पेल दिया इधर। अरे इधर तो अल्टी चल रही है। अरे भाई बताता तेरे को, रुक जाओ मैं भी चलाता हूँ अल्टी। तो भाई मरते जाओ आते जाओ मरते जाओ भाई, सबको पेल दिया इधर। तो हेलो पोकेमोन फैंस, तो यार भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो भाई आज मैं देने वाला हूँ पोकेमोन यूनाइट की कुछ टिप्स, जिससे यार भाई तुम इस गेम में काफ़ी जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट कर पाओगे, और भाई अगर तुम इसमें रैंक पुश करना चाहते हो तो वो भी इजी कर पाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना जो भी मैं टिप्स से इस गेम में देने वाला हूँ। तो यार भाई लोग, आपने कभी भी लीग ऑफ लेजेंड जैसा कोई मोबाइल गेम खेला होगा तो आपको पता ही होगा कि उसमें एनिमी के नेक्सस को फोड़ना पड़ता है और तब आप जाके विन करते हो। लेकिन इसका उल्टा, इसमें भाई अपने को एनिमी के गोल्स में मतलब अपने पोकेबॉल डालनी रहती है, और जो सबसे ज़्यादा हाई स्कोर करता है उसकी टीम यहाँ पर जीत जाती है। अब भाई यार उन मोबा गेम में ऐसा रहता है कि वो थोड़ा सा हार्ड रहते हैं, क्योंकि उसमें भाई आधे घंटे के लगभग का मैच होता है और काफ़ी लंबा मैच हो जाता है। और इस वाले मैच में यार काफ़ी इजी है, मतलब ज़्यादा स्किल्स वगैरह भी नहीं दी गई है, ज़्यादा अचीवमेंट भी आपको नहीं लगाना पड़ते, और इसमें बस 10 मिनट का मैच रहता है, जो भाई चाहे वो जीत सकता है इसमें। और एकदम से मैच बस जेबडोस लेके आप पलटा सकते हो, जबकि उस वाले में ऐसा नहीं रहता है। उसमें जितना आप एनिमी को फिट कराओगे उतना एनिमी स्ट्रोंग होगा और एनिमी आपको जाके बाद में दिक्कत देगा। लेकिन इसमें ज़्यादा भाई ऐसा कुछ है नहीं, अपन आराम से इसमें जीत सकते हैं। तो भाई उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं पूरा बताने वाला हूँ। अब भाई यार आपको एक बात जान लेनी है कि जो भी आप पोकेमोन यूज़ कर रहे हो वो कौन से लेन में खेलने के लिए, यानी अगर आप एक अर्टेगा पोकेमोन यूज़ कर रहे हो तो यार वो ज़्यादातर भाई टॉप लेन में ही खेलेगा, टॉप लेन में उसे ले जाओ। और टॉप लेन में यार ज़्यादा से ज़्यादा एक पोकेमोन ही होना चाहिए। अगर एनिमी की टीम के ज़्यादा पोकेमोन टॉप लेन में हो तो आप भी वहाँ पे जा सकते हो अपने टीममेट को सपोर्ट देने के लिए। अब भाई ऑलराउंडर पोकेमोन है वो भी बॉटम में खेलेगा, और डिफेंडर वगैरह जो भी रहते हैं सपोर्टर वो भी भाई बॉटम में ही खेलते हैं वैसे तो, और ये सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। अब भाई देखो यार, तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो फार्म करता है सबसे जल्दी, मतलब जो जंगल करता है भाई उसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो जंगल का आपके आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा पोकेमॉन जंगल करेगा। तो ज़्यादातर भाई जंगल करते स्पीडास्टर, और एक भाई टेलन फ्लोम भी बहुत अच्छी जंगल करती है, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे यार तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ कि जो भी जंगल करता है आपको जल्दी जल्दी से वाइल्ड पोकेमोन को मार के उनका बफ लेना रहता है, उसके बाद उन बफ से यार तुम भाई दूसरे पोकेमोन को इजी मतलब उनको स्टन वगैरह करके मार सकते हो स्लो करके। तो वहाँ पे आपको अपने टीममेट को जल्दी जल्दी फ़ायदा देना रहता है, और जितनी जल्दी आप जंगल करोगे उतने ही अपने टीममेट को आप सपोर्ट दे पाओगे। अगर आप जंगल छोड़ दोगे, आपका जंगल पोकेमोन होगी तो भाई आपका वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा पोकेमोन। तो सबसे पहले यार उसको जंगल कराओ, जैसे मैं ये वाला पोकेमोन यूज़ करता हूँ जीरोरा, तो यहाँ पे देखो जंगल पोकेमोन है मेरा। तो भाई मैं सबसे पहले जंगल करके ही अपने टीममेट के पास जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इन लोगों को सपोर्ट भी देता हूँ। तो देखो यहाँ पे कैसा इजी भाई इनको देखो फंसा फंसा के मार रहे थे। अब भाई यार अगर आपको डिफेंडर पोकेमोन हो तो आपको ऐसा नहीं है कि अकेला है जाके भाई बंदों को मार देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपके जो भी टीममेट है उसके साथ में जाना है, और अगर कोई भी टीममेट के ऊपर आपके मतलब जैसे कोई पोकेमोन है आपका टीममेट और उसके ऊपर दूसरा एनिमी का कोई भी पोकेमोन अटैक कर रहा है तो आपको उसको डिफेंड करना है, आपको उसके अटैक्स अपने ऊपर झेलना है। क्योंकि अगर आपका एक डिफेंडर पोकेमोन है तो आपकी एचपी ज़्यादा ही होगी उससे, और भाई आप इजी उसको डिफेंड कर पाओगे, और भाई जो अपना टीममेट रहेगा जो आपका वो इजी भाई सामने वाले पोकेमोन को मार सकता है। तो यहाँ पे यार तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है, एमवीपी के लिए हमेशा नहीं खेलना है, यानी बस स्किल्स के लिए नहीं खेलना है, तुम्हें अपने टीम को सपोर्ट देना है उसके लिए खेलो। बस आपको ये सोचना है कि भाई आप कितने मैच जीत रहे हो, क्योंकि जब भी अगर आपको कोई देखता है ना कि भाई जैसे कोई भी आपके स्टेट्स देखता है तो वहाँ पे ये नहीं लिखा रहता है कि आप कितनी बार एमवीपी बने हो या फिर क्या किया आपने, कितने किल्स करें, वहाँ पे लिखा रहता है विक्ट्री परसेंटेज। तो विक्ट्री परसेंटेज ज़रूरी है, और विक्ट्री कैसे मिलेगी, जब आप अपनी पूरी टीम को जाके सपोर्ट करोगे। तो पूरी टीम को सपोर्ट देने के लिए आप किल्स के पीछे मत जाओ, आप बस ये देखो कि आप अपनी टीम को डिफेंड भी करो, और जो सामने वाले पोकेमोन को जैसे आपको मारने का मिलता है भाई मौका पेल दो उसको। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रहना चाहिए, किस टाइम पे आपको हटना है ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब जैसे यार यहाँ पे ये बंदे मेरे ऊपर अभी अटैक कर रहे थे, जब मैं गोल डाल रहा था तो जो गोल का एनिमेशन होता है, गोल के एनिमेशन के टाइम पे कोई भी पोकेमोन कुछ भी चला दे भाई, अल्टी चला दे कुछ भी चला दे, वो आपको यहाँ पे नहीं मार सकता उस एनिमेशन के बीच में।
तो भाई जैसे एनिमेशन खत्म होगा तो ही वो आपको मार सकेगा। तो अगर आपके पोके गोल में भी अगर कोई एनिमी गोल डाल रहा हो तो उस टाइम पे आपको उसके ऊपर अटैक नहीं करना है, वरना आपका जो भी मूव रहेगा वो भाई फालतू वेस्ट हो जाएगा। जैसे ही उसका गोल डल जाता है उसके बाद में आपको अटैक करना है या फिर उससे पहले करना है। गोल डालते समय आपको उसके ऊपर अटैक नहीं करना है, क्योंकि एनिमेशन के टाइम पर अटैक बिल्कुल बेकार जाता है। तो यहाँ पे देखो यार पोकेमोन को कैसे मतलब सपोर्ट दे रहा था मैं अपने टीममेट को, कि जैसे ही भाई कोई भी बंदा यहाँ पे अटैक कर रहा था मैं उनको भाई फट से डैमेज देके यहाँ पे हम किल निकाल रहे थे और उनकी पॉइंट टोक टोक के भाई देखो गोल में डाले जा रहे थे। तो इस तरीके से यार आपको सपोर्ट बनाए रखना रहता है कि भाई आसपास ही रहो अपने टीममेट के, और जैसे उनको सपोर्ट चाहिए भाई फट से चले जाओ। और यहाँ पे यार एक चीज़ और ध्यान रख सकते हो आप, कि जैसे आप छुप छुप के भी किसी के ऊपर अटैक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्रास रहती है, ग्रास में अगर आप छुप जाते हो तो सामने वाले पोकेमोन को आप नहीं दिखोगे, और इस तरीके से भाई उस पर सरप्राइज अटैक आप दे सकते हो। अब यार यहाँ पे ये मत देखा करो कि तुम्हारी हेल्थ कम है सामने वाले से तो आप उसे नहीं मार पाओगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। सब पोकेमोन की अपनी अपनी एबिलिटी रहती है, जैसे अगर मैं किसी को यहाँ पे डैमेज देता हूँ तो मेरी हेल्थ एकदम से वापस रिजनरेट भी होने लग जाती है थोड़ी बहुत, तो उससे यार मैं सामने वाले को ईजी मार सकता हूँ। और भाई जैसे जीरो राय तो इसका जो भाई सर्कल रहता है उसमें ऑटोमेटिक पोकेमोन को डैमेज पड़ता है, और यहाँ पे पंच के साथ में और एक्स्ट्रा डैमेज मिलता है, और यहाँ पे मेरे को रिजनरेशन भी मिलता है जिससे भाई मैं इसको मार सकता हूँ। अब देखो यार यहाँ पे इसने अल्टी चलाई थी एप्सोल ने, लेकिन फिर भी हमने इसको ईजी मार दिया अल्टी चलाने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे भाई है ना कुछ डैमेज तो मेरे टीममेट ने लिया और कुछ मैंने लिया, और इस तरीके से भाई उस पोकेमोन का यहाँ पे डैमेज देके ईजी यहाँ पे पेल दिया हमने। अब यहाँ पे देखो ये भाई बीच में अलग ही आया था तो इस चार्मेंडर को भी हमने पेल दिया। अब यार देखो सामने अगर तुम्हारे तीन चार पोकेमोन है और अगर आप वहाँ पे अकेले जाके घुस रहे हो तो भाई आप बस उसको खिलाओगे सामने वाले पोकेमोन को, तो ऐसा मत करो कभी भी। अगर सामने ज़्यादा पोकेमोन है और आपके पास अल्टीमेट मूव नहीं हो तो भाई मत ही जाओ, वरना भाई वो आपको मार देंगे और आपके पॉइंट भी छीन लेंगे। और एक चीज़ और याद रखना है कि आपको इस गेम में ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करके रहना है, मतलब मरना नहीं है। जितना आप मरोगे भाई सामने वाले पोकेमोन को उतना ज़्यादा आप पॉइंट्स खिलाओगे और उसका एक्सपी उतना ही गेन करवाओगे। तो अगर अगर सामने वाला पोकेमोन का जो पोकेमोन रहेगा भाई वो जल्दी जल्दी अगर एक्सपी कर लेगा और भाई उसकी लेवल अप हो जाएगी तो भाई वो आपको इतनी तरीके से मारेगा, मतलब खतरनाक तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई फीड मत ही कराना, मतलब आपको खाना है ना कि उनको खेलवाना है। आपकी अगर हेल्थ कम हो जाती है तो जल्दी से बेस में जाओ, हेल्थ रिकवर करो और वापस आ जाओ, लेकिन अगर आप मरते हो तो आप भाई वहाँ पर डिफेंड भी नहीं कर पाते हो अपने पोकेगोल्स को, और उसके बाद भाई आप उनको खिला भी देते हो तो उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना। अब भाई यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो पोकेमोन आए, इनने सोचा कि मैं अकेला हूँ, जैसे ही इनने मेरे ऊपर अटैक किया मेरा जो एक टीममेट था वो यहाँ पे छुपा हुआ था, उसने यहाँ पे सरप्राइज अटैक दिया और हम दोनों ने मिलकर इन दोनों पोकेमोन को पेल दिया। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपके टीममेट के साथ में पार्टनरशिप होनी चाहिए कि भाई दोनों मिलके मारो बंदों को, उससे क्या यार अपने टीम को ही फायदा मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो दो बोनस पोकेमोन होते हैं, एक होता है ऊपर का रोटम और एक होता है नीचे का रेडनो। तो जो रोटम होता है भाई अगर आप उसको लेते हो और वो भाई एनिमी के गोल में जाता है तो आपको वहाँ पे वो पॉइंट भी देता है कुछ, और भाई आप डायरेक्ट 1 सेकंड के अंदर पोकेमोन के उस गोल में डाल सकते हो गोल। और जो रेडनो लेते हो उससे क्या रहता है कि आपके सारे पोकेमोन को एक एक्स्ट्रा शील्ड मिल जाती है जिससे भाई वो उनको डिफेंड मिलता है और आप सामने वाले पोकेमोन को ईजी मार सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि उन दोनों चीज़ों का लेने को ट्राई करो। और जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है यहाँ पे देखो जेबडोस। अब भाई जेबडोस एक ऐसी चीज़ है जो पूरा का पूरा गेम पलट सकती है। जिस टीम ने भाई जेबडोस ले लिया वो अगर यहाँ पे हारती भी रहेगी तो वो एकदम से जीत जाएगी, क्योंकि जेबडोस क्या करता है कि हर पोकेमोन को यहाँ पे मतलब इतने पॉइंट्स गिराता है कि सबको यहाँ पे 50-50 पॉइंट इजी मिल जाते हैं। उसके बाद भाई एक एक सेकंड में यहाँ पे गोल डालता है, तो भाई आपने पिछले कितने ही गोल क्यों नहीं डाले हो भाई, अगर आपने जेबडोस ले लिया तो भाई आप ही जीतोगे, आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। या फिर अगर मतलब एनिमी वाले ने ले लिया तो भाई आपके हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस जेबडोस को रोकने का एक ही तरीका है कि सामने वाले पोकेमोन को भाई गोल मत डालने दो और उनके पॉइंट्स उठा के उनके ही गोल में डालो, वरना भाई अगर वो डालेंगे तो भाई तुम्हें ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगा, चाहे तुम कितने पॉइंट्स ले रखे हो तुम बाद में हार जाओगे। और भाई अगर तुमने जेबडोस ले लिया और अगर ऐसे पॉइंट डाल रहे हो तुम तो भाई वहाँ पे जितने पोकेमोन रहेगा उनके ऊपर आप यूनाइट मूव यूज़ कर सकते हो, या फिर जेबडोस लेते टाइम पे यूनाइट मूव का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
उससे क्या रहेगा कि भाई आप अपने टीममेट को फ़ायदा दे सकते हो वहाँ पे, वो जिन जिन ने भाई अगर गोल नहीं डाला होगा वो भी गोल यहाँ पे डाल सकेंगे, और अगर आप सबने गोल डाल दिया हो तो आप क्या वहाँ पे पोकेमोन को मार मार के भाई उनका पॉइंट भी वापस से ले लेके जल्दी जल्दी डाल सकते हो, जिससे भाई क्या रहता है कि आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे और आप लास्ट टाइम पे भी जीतने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे भाई एनिमी टीम ने पूरा सरेंडर कर दिया डर के मारे, क्योंकि उनको पता है कि उनके जीतने के चांस कुछ भी नहीं थे। तो इस तरीके से यार पूरा गेम खेलना है आपको और इजी आप यहाँ पे विन कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय बाय।